नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में हैं। आज सबसे पहले वो साबरमती आश्रम गए, चरखा चलाया और अहिंसा का उपदेश दिया। मोदी के तेवर गुंडागर्दी करने वाले गोरक्षकों पर सख्त थे। गोमाता की रक्षा पर बोलते हुए वो भावुक भी हो गए। मोदी ने एक कहानी सुनाई और बताया विनोबा भावे और बापू के देश में गोरक्षा की परिभाषा कुछ अराजक तत्वों ने बदल दी है। गोरक्षा के नाम पर दुकान खोल दी है जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोरक्षा पर बिफरे मोदी कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, मंदिर को फर्क नहीं पड़ेगा। है वो कानून कानून का काम करेगा, इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं। हिंसा समाधान नहीं है। देशवासियों से आग्रह करो, हिंसा समस्याओं का समाधान नहीं है। इंसान को मारने का हक मिल जाता है, क्या किसी इंसान को मारने का हक मिल जाता है? ये तो अवधि है। बाबू के देश में हिंसा बर्दाश्त नहीं। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि गोरक्षा के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीएम ने कहा कि भारत विनोबा और बापू का देश है जो गोरक्षा के लिए खुद को आहत करते थे, लेकिन आज लोग कानून हाथ में लेते देर नहीं लगाते। गाय की रक्षा, गौ की भक्ति महात्मा गांधी और विनोबा भावे से बढ़कर के कोई नहीं होता। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। उसी रास्ते पर देश को चलना ही पड़ेगा, उसी में देश का कल्याण। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी गाय के नाम पर हिंसा होती है तो उन्हें बेहद तकलीफ होती है। इस क्रम में उन्होंने अपने बचपन की बात लोगों को बताई और भावुक हो गए। एक बालक की मृत्यु के पश्चाताप में गाय को बलिदान देता हुआ मैंने बचपन में देखा। वो दृश्य आज भी मेरे सामने जिंदा है और आज जब मैं सुनता हूं कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, मंदिर को फेंकने पड़ेगा। है वो कानून कानून का काम करेगा, इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं। मोदी ने कड़े शब्दों में गोरक्षा की आलोचना की और एक तरह से चेतावनी भी दी। उन्होंने ये भी कहा कि बापू का ये रास्ता नहीं हो सकता। भारत का संविधान भी हमें उसका महत्व समझाता है, लेकिन क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता है? ये तो अवधि है, ये तो अच्छा है। ये तीसरा मौका है जब पीएम मोदी ने कथित गोरक्षकों को चेतावनी दी है। पिछले साल अगस्त में पीएम मोदी ने टाउन हॉल में कहा था गोरक्षा के नाम पर कुछ लोग दुकानें खोलकर बैठे हैं। अगले ही दिन पीएम ने फिर कहा मुट्ठी भर लोग गोरक्षा के नाम पर समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीसरा मौका है जब पीएम मोदी ने कथित गोरक्षकों को चेतावनी दी है। इससे पहले पिछले साल अगस्त में भी पीएम मोदी ने गौरक्षकों को चेतावनी देते हुए कहा था कि कुछ लोग गौरक्षा के नाम पर दुकान खोलकर बैठे हैं। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है
गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। सत्यम हंसेरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।